कश्मीर मैं आपको बता दूं कि मैं हर साल जाता हूँ फैमिली को लेके, मेरी बेटी को, मुझे स्नो बहुत अच्छा लगता है, तो ऑलवेज वी गो टू गुलमर्ग, पहलगाम हमेशा जाता हूँ। तकरीबन पिछले 8 साल से मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर हूँ, कभी कभी तो 2 बार भी जाता हूँ, तो अच्छा लगता है कश्मीर और घूमने के लिए। और इतनी मेमोरीज है पुरानी पिक्चरों की, अमित जी की पिक्चर की, राजेश खन्ना जी की पिक्चर की, जितेंद्र साहब की पिक्चर की, इतनी मेमोरीज है, तो हमेशा जब जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छा है कि सीएम साहब खुद आज तमाम बॉलीवुड के लोगों से मिलने वाले हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, और जो सहूलियत है, जो वहाँ पे जो एक शूटिंग के लिए हम लोग को जो प्रॉब्लम होती है, मेरे ख्याल से आज वो सब जो चीज़ें का वो उसका वो निकालेंगे, सपोर्ट होगा। और मेरे ख्याल से कश्मीर जिस तरह से 70s में 80s में था, शूटिंग होती थी, 5-5 शूटिंग एक साथ होती थी उस टाइम पे, मेरे ख्याल से वही दौर जो है फिर चालू होगा। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा दौर है कि मुफ्ती साहब की सरकार बीजेपी के साथ मिलके एक चला रही वहाँ पे, और डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन लोकेशन है, और खासकर कश्मीर में मेरे ख्याल से सब कुछ है, लेक है, माउंटेन्स है, स्नो है, सब है, ब्यूटीफुल गार्डन्स यू हैव। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग इनिशिएटिव बाय द कश्मीर गवर्नमेंट टूरिज्म, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इवेंट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू समडे टू शूट इन कश्मीर। थैंक यू।